कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायती रेफरेंस खारिज। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के जेर सदारत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के काउंसिल के तीन मेंबरान पर एतराजात पर गौर। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी जुडिशियल कमीशन इजलास में मौजूद रहे। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मुजाहिर नकवी का खत काउंसिल में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त के फैसले तक काउंसिल की कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास आज फिर सपहर 3 बजे होगा। इलेक्शन से पहले नतीजे तय करना है तो इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो आवाम का नुकसान होगा। एक वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो दूसरा धरने शुरू कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जमानत दें कि इंतखाबात पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, एक तरफ जेल वाले हैं, दूसरी तरफ दो तिहाई अक्सरियत वाले। ये लोग इक्तदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। नवाज शरीफ भी अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नवाज शरीफ के 15 वकला, 10 लॉ अफसरान और 30 सहाफियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। फासिस रखने वालों के अलावा कोई भी गैर मुतालिका शख्स कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकेगा। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर आम से हटाना है। हिकमत अमली के तहत चेयरमैन को साइड लाइन किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से पहले हर अदालत पेश होते रहे। गिरफ्तारी के बाद किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के कप्तान होंगे। सरफराज अहमद स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक और खुरम शहजाद टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हुरैरा को बिना खिलाए स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर रहे लेकिन अब स्क्वाड में जगह नहीं। हारिस रऊफ ने खुद को टेस्ट खेलने से दस्तबरदार किया। नसीम शाह अगले 3 हफ्तों में बॉलिंग शुरू करेंगे। मोहम्मद हुसैन ने वर्जिश शुरू कर दी, 2 हफ्तों में प्रैक्टिस करेंगे।